तुम ऐसे सूरमा हो गए वो छोटे कि जिस पर भी चाहते हो अपना हाथ उठा देते हो। हमने इन हाथों को इस दिन के लिए मजबूत नहीं किया था कि वो हमारे वफादार साथियों पर भी उठने लगे। तुम ये भी भूल गए कि सरजू हमारी जगह पर। जानते हो इस अपराध की सजा क्या? मुझे मेरे अपराध की सजा सुनाने से पहले अपने वफादार साथी से ये पूछो, तुमने इसे वहां क्या लूटने के लिए भेजा था और ये वहां क्या लूट रहा था? जरा पूछो इससे कि उस लड़की के नंगे बदन से ये कौन सा खजाना तलाश कर रहा था। ये झूठ है ठाकुर। जो हाथ कभी छोटे के बचपन की शरारतों पर नहीं उठा वो आज इसलिए उठ गया कि इसने एक बेबस लड़की की आंखें बचाई। चुप रहो बच्चे। दुनिया की कोई लड़की इतनी अनमोल नहीं कि हम उस पर अपने किसी साथी को कुर्बान कर दें। ठाकुर अजीत सिंह के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती भैया। खटिया और कमीने आदमी के मुकाबले में लड़की की इज्जत की कोई कीमत नहीं। सरजू की जगह अगर तुम भी होते भैया हाथ तुम पर भी उठा। ठाकुर रंजीत सिंह, तुमने अपने सरदार पर हाथ उठाने का अपराध किया, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर दिल होता तो ठाकुर तेरी ये हालत करते? भैया के खिलाफ कुछ मत बोल मुंशी। ठीक है बड़ा आया मुंशी को डांटने वाला। छोटे वैसे तो हम लोग बड़े सूरमा बने फिरते हैं पर डरते हैं अपनी परछाइयों का। याद रख हम लोगों का अंजाम या तो पुलिस की गोली होती है या फांसी का फंदा। मेरा कहना मान वो अपनी आत्मा पर चांदी का मैल ना चढ़ने दे। इन बेदर्द पहाड़ियों को छोड़कर कहीं चला जा। कैसे चला जाऊं मुझे? भैया के प्यार की जंजीर ने जकड़ रखा है। तोड़ क्यों नहीं देते इन जंजीरों? ये जंजीर नहीं टूट सकती भैया। प्यार की इस जंजीर के निशान मेरी पेट पर नहीं देखे हैं? हमें माफ कर दे छोटे, ये निशान तेरी पीठ पर जरूर है लेकिन घाव हमारे दिल पर भी है। हम मजबूर थे छोटे, अपने ग्रह के उसूलों से मजबूर। ये कैसे असूल है भैया जो हमें सुख का एक दिन और चैन की एक रात नहीं दे सकते? कैसे असूल है जो हमें औरतों की इज्जत और आबरू लूटना सिखाते हैं? मैं पूछता हूं भैया, क्या इन असूलों की सिवा जीने का कोई और रास्ता नहीं है? छोटे जरूर है, इन पहाड़ियों को छोड़कर हम वहां जा सकते हैं जहां अनाज दबाकर देश में अकाल डलवाया जाता है और फिर उसी अनाज को इज्जत और आबरू के मोल बेचा जाता है, जहां नकली दवाइयों का धंधा करके लोग हजारों और लाखों बेगुनाहों का खून करते हैं। अरे छोटे इस दुनिया को जितना हमने देखा है तूने नहीं देखा। तुमने जिंदगी का एक ही पहलू देखा है भैया, दूसरा नहीं। कैसे हो छोटे ठाकुर? हाय अल्लाह, ये किसने जुल्म किया है? तुम्हारे पीठ पर किसने निशान डाले हैं? उसका सत्यानाश हो जाए, उसकी जवानी जल जाए। मैं नगोड़ी तो भागी भागी आई थी कि बड़े ठाकुर के जख्म भर गए हैं, मुबारकबाद देकर के इनाम पाऊंगी,
मुझे क्या मालूम था छोटे ठाकुर कि मुझे ये दिन भी देखना नसीब होगा। बड़े मौके से आई हो बुकन, छोटा हमसे नाराज हो गया है। आए लाठी मारे से कहीं पानी जुदा होता है। ठाकुर साहब आखिर आप बड़े भैया हैं, आगे बढ़ के गले लगा लो, सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। क्यों छोटे, गले लगा लें तुझे। आज मैं मारी जाऊं कहीं नजर न लग जाए मेरी दोनों भाइयों को। आज तेरी नजर से काम नहीं चलेगा भुकर। आज मुझे गुड़िया की नजर में क्या रखा है, मैं तो वो तोहफा लाई हूँ जो जिंदगी भर याद रहेगा आप लोगों को। बड़ी मेहनत से जवान किया है मैंने दिलाला को। शेखर बाबू, शेखर बाबू, मैं मैनेजर जानकीदास बोल रहा हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ी हस्ती आई है, करोड़पति, किसी स्टेट का प्रिंस है। उसके सेक्रेटरी के हाथ में एक बैग है, हजार हजार के नोटों से भरा हुआ है। मैंने खान को उसके सामने बैठा दिया और खान गला कर जीत रहा है। शो खान साहब, शो मालूम होता है जेब के मुकाबले में योर हाइनेस का दिल बहुत छोटा है। सिर्फ दो दिन चार, लेकिन कलर काट बढ़िया खान साहब। हाँ तुम क्या सर पे खड़े हो, अपना महमूद साया बाहर फेंको, हम तो पहले ही हारे बैठे हैं। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, देखभाल करना मेरा फर्ज है। स्टिल आई एम स्टिल बिसाइड योर हाइनेस। ओके ओके, प्लीज प्लीज। आप लोग खेल योर हाइनेस दो चक्के थे, ये आपने क्या किया? हजार रुपया है मैडम। क्यों बादशाह का कलर है छोटा सा। लाइए पत्ते मुझे दे। हम चले गए शंकर, चलिए योर हाइनेस। इतना भी क्या जल्दी है राजा साहब, बैठो ही। एक गेम और, लास्ट फॉर योर हेल्थ। चलिए। अरे वाह खान साहब, क्या कार्ड दिए। एक 2000 की चाल। हे बजरंग बली, वही ये कुछ बात थी। अपने 2000 की चाल। 2000 की अपनी भी आई। पांच अपने, पांच मेरे। मालूम होता है योर हाइनेस बहुत मजबूत है। खैर कोई बात, पांच में जाओ। योर हाइनेस और निकालू? नहीं रहने दो शंकर, आज साहब तो चलने पर तुले हुए हैं और हमारे पास वक्त कम है। अभी शो करवा लेते हैं। शो खा साहब, शो। ये गेम आप हार गए योर हाइनेस। ठहरिए खान साहब, इन बादशाहों से भी कुछ बड़ा होता है। जय शिव शंकर। आप इस तरह जीत कर नहीं जा सकते। तो फिर किस तरह जा सकते हैं? आपको हमारे साथ फिर से खेलना होगा। बड़े घटिया किस्म के खिलाड़ी हैं खान साहब आप, आकर रोते हैं। ठहरिए। आप पत्तों का खेल खेलिए, रिवॉल्वर का खेल बड़ा खतरनाक होता है। जानकीदास। हाँ जी। चावलों में मिलाने के लिए सफेद पत्थर करके तैयार हो गया? जी हो गया। और तेल की पोजीशन क्या? जी दो टन है। पौना टन मोबिलाज मिला दो। जी एक टन क्यों ना मिला दूं?
आदमी समझदार। जानकी दास हूँ ना। गैस, मैं बोल रहा हूँ, क्या खबर है? क्या पक्की बात है? यानी गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। शेखर, शेखर का वो जरा बिजी है आजकल, वो ज्यादा ही बिजी रहने लगा है। उस दिन पार्टी में आशा और शंकर के साथ जो आदमी था वही रंजीत, मेरा शक ठीक निकला। शंकर का घर तो मुझे मालूम है, वो वही होगा, मैं अभी दोनों को पकड़ के लाता। रंजीत सिंह इतनी आसानी से पकड़ाई नहीं देगा, आप फिक्र मत कीजिए, ये अगर ये कोई काम मुश्किल नहीं। ठीक है। आहा, वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी हम अपने आप को देखते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। लेकिन आप लोग अंधेरे में बत्ती बुझा के क्या कर रहे थे? बहुत इंतजार करवाई, अकेले कैसे आए? कहाँ है वो तुम्हारा दोस्त? दोस्त? कौन सा दोस्त? वही दोस्त जो रात को तुम्हारे साथ पार्टी में था। पार्टी रात को? वो तो घर चला गया होगा। उसका नाम क्या है? नाम? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। क्या उसका नाम रंजीत है? रंजीत? नहीं नहीं, उसका नाम विश्वजीत है। इरा, ये ऐसे नहीं मानेगा। हेलो, उसका नाम सुजीत है। सही सही बताओ, क्या नाम है उसका? उसका नाम अमरजीत है।